अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज की वीडियो बहुत ही खुशखबरी की वीडियो और बिलखुसूस तहरीके लबैक पाकिस्तान के कारकुनान जब इस ख़बर को देखेंगे सुनेंगे तो उनका दिल भी एक बार ज़रूर बाग बाग हो जाएगा। नाज़रीन मोहतरम, आपको बताऊँ कि अल्हम्दुलिल्लाह तहरीके लबैक पाकिस्तान को रब ताला ने एक बार फिर जो है वो बहुत बड़ी कामयाबी से नवाजा है। तो सबको जो है वो मुबारक हो तहरीके लबैक पाकिस्तान को, आज जो है वो फिर कामयाबी हासिल। नाज़रीन मोहतरम, वो किस तरह आपको बताऊँ कि इलेक्शन कमीशन में तहरीके लबैक पाकिस्तान के खिलाफ दायर हफीज़ुल्लाह अलवी की इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक दरख्वास्त जो दायर की गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज इलेक्शन कमीशन ने उस दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दिया है। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, तहरीके लबैक पाकिस्तान के खिलाफ एक दरख्वास्त जो है ये दी गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह अब क्लियर जो है तहरीके लबैक पाकिस्तान जो है वो हो गई है। यानी कि अब तहरीके लबैक पाकिस्तान ये वाज़ेह हो गया कि ये किसी से कोई फंडिंग वगैरह नहीं लेती, ये मामला जो भी करती है इनके अपने होते हैं और ये किसी के पीछे लगकर ये चलने वाली जमात नहीं। नाज़रीन मोहतरम, आम सादा अल्फाज के अंदर आप यही समझ लें कि तहरीके लबैक पाकिस्तान जो है इसके अंदर किसी किस्म की कोई भी गड़बड़ नहीं है, ये बिल्कुल जो है ये पाक और साफ जमात है। नाज़रीन मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह रब ताला दुनिया में भी इज्जतों से नवाज रहा है और आखिरत में भी रब ताला इज्जतों से नवाजेगा और जो दीन के खिलाफ चलते हैं आप देख रहे हैं कि वो दुनिया में भी जलील और रुसवा हो रहे हैं। कभी जनाब किस तरह की उनके खिलाफ बात आ रही है, कभी किस तरह की आ रही है और आखिरत में भी उन्होंने इस तरह जलील और रुसवा होना है।